बता दें कि बीते कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने सेक्टर 56 में कांग्रेसी पार्षद सतीश कैंत को लालटेन लेकर ढूंढा। उसके पास से ही कांग्रेसी भी भाजपा की सांसद किरण खेर को ढूंढने में जुट गई है, पर सांसद नहीं मिल रही। वहीं आज सेक्टर 17 में महिला कांग्रेस द्वारा लापता सांसद किरण खेर को दूरबीन की सहायता से ढूंढने का प्रयास किया। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष दीपा दुबे ने दूरबीन की मदद से आज आमजन और सेक्टर 17 मार्केट की दुकानों में जाकर पता किया कि क्या सांसद किरण खेर आपकी दुकान में आई है क्या, जहां पर दुकानदारों ने स्पष्ट किया कि 2019 के चुनावों के बाद कभी सांसद मैडम को नहीं देखा। दीपा दुबे ने स्पष्ट किया कि फिल्मी सितारों को सांसद के रूप में चुनना जनता की बहुत बड़ी भूल थी। आज चंडीगढ़ की जनता बहुत पछता रही है, लेकिन वोट देने के समय जनता को यह समझ नहीं आया कि सितारे आसमान में ही अच्छे लगते हैं, धरातल पर आकर टूटकर बिखर जाते हैं। और यही हाल हमारी अभिनेत्री किरण खेर ने सिद्ध कर दिया है कि सिनेमा जगत की सितारा तो अच्छी है, लेकिन जमीन पर राजनीति के क्षेत्र में वे जमीन से नहीं जुड़ पाए और चंडीगढ़ के धरातल पर वो टूट कर बिखर गई। वह अच्छी अभिनेत्री हो सकती है, लेकिन वह अच्छी नेत्री नहीं बन सकती। देखें चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट। यहाँ दिखती भी नहीं है, कभी आपको पता चले कि चार पुलिस वाले आ गए हैं, दीवार तोड़ मचाया, किरण खेर आ गई। देखिए, हम ये सोच के आए थे कि कल से कह रहे हैं कि पार्किंग के रेट ज़्यादा हो जाएंगे, और मैं ये सोच रही थी कि मौसम चेंज हो चुका है तो हो सकता है मैडम, क्योंकि मैडम को सेक्टर 17 की शॉपिंग बंसल्स, विशाल्स एंड और गुलाटीज बहुत पसंद हैं, तो वो अपने सूट साड़ी सब सज्जा के लिए कुछ लेने आई होंगी। लेकिन अभी भाई साहब से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैडम को बहुत टाइम से नहीं देखा, ना वो कभी इनकी शॉप पे आई हैं और ना ही उन्होंने कभी यहाँ इसको घूमते हुए देखा है। सो ये हाल है हमारी सांसद का। आज मैं दूरबीन लेके ढूंढ रही हूँ उनको, क्योंकि ये सुनने में आया है कि वो आजकल बहुत स्लिम हो गई हैं, तो स्लिम बंदा तो कहीं भी एडजस्ट हो सकता है। मैंने कहाँ कहाँ नहीं उनको ढूंढा, स्टोर्स में मैंने ढूंढा, मैन होल्स में मैंने ढूंढा, पौधों में मैंने ढूंढा, पेड़ों के ऊपर मैंने ढूंढा, लेकिन वो मुझे किसी ना शॉप पे दिख रही हैं ना किसी जगह पे दिख रही हैं। तो ये साफ जाहिर है कि उनका ये कहना कि मैं चंडीगढ़ में हूँ, वो चंडीगढ़ में 1.5 साल से नहीं है। मैडम, आप मिसिंग की रिपोर्ट भी दर्ज कराएंगे या कुछ प्राइज मनी भी रखेंगे इनके ऊपर? सर नहीं, प्राइज मनी तो उसके लिए रखी जाती है जो अपना हो। इन्होंने जनता को नकारा है तो जनता ने इनको भी नकार दिया, तो प्राइज मनी का तो मतलब ही नहीं है। रिपोर्ट जरूर लिखाई जाएगी, क्योंकि वो हमारे आदरणीय लोकसभा के स्पीकर को ये लेटर लिखने जा रही है कि मैडम जब जनता के लिए काम नहीं कर सकती, एमपी होने का उन्होंने फर्ज अदा नहीं किया, तो उनकी जो तनख्वाह उनको महीने की दी जाती है वो भी बंद कर दी जाए, क्योंकि उसका कोई औचित्य नहीं है। वो पैसा जो है वो जनता का है और जनता के लिए है, जनता के काम करने वाले प्रतिनिधियों के लिए है, लेकिन मैडम उस चीज़ पे खरी नहीं उतर सकी। आज मैडम को हम ये कह रहे हैं कि वो चंडीगढ़ में लापता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि उनके पार्टी के लोगों ने ही उनको लवारिस बना दिया है, क्योंकि अगर ये बात उनके पार्टी के लोगों को पता होती कि वो कहाँ हैं, उनकी कभी सुध बुध ली होती, तो शायद आज ये लापता की जो हमारी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है उनको ढूंढने का, वो खुद करते हैं, क्योंकि वो उनकी पार्टी की है। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि जनता को सिर्फ किरण खेर ने बेवकूफ़ नहीं बनाया, बीजेपी का हर एक व्यक्ति, हर एक कार्यकर्ता आज तक जनता को बेवकूफ़ बनाता आ रहा है। अगर उनको पता है मैडम कहाँ है, तो फिर आज तक उस चीज़ को बताया क्यों नहीं गया? आज वो ये ढंडोरा पीट रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि उनकी तबीयत खराब है। अगर तबीयत खराब है तो ये बात पहले जनता को क्यों नहीं बताई गई, आज क्यों बताई गई? ये बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपके द्वारा हम बीजेपी पार्टी के लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, मैडम किरण खेर तक पहुंचाना चाहते हैं कि मैडम तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं, जनता के लिए नहीं आ सकते हो, कोई बात नहीं, आप अपना त्याग पत्र दे दें ताकि जनता को भी थोड़ी सी राहत मिले, क्योंकि पानी के मुद्दों को लेके, सड़कों के मुद्दों को लेके 17 सेक्टर का हाल देख लीजिए, आज ये डंपिंग ग्राउंड से कम नहीं होने जा रहा। मैडम बातें करती थी डंपिंग ग्राउंड की, क्या किया मैडम? बहाना तो है, आपने पहले बहाना लगाया कि मेरी तबीयत खराब है, मैं डायबिटिक हूँ, मुझे कोरोना हो जाएगा, लेकिन भगवान ने आपकी सुनी और आप आज इस तरीके से बीमारी से परेशान हो जो मीडिया के द्वारा हम लोगों को पता चला। लेकिन हम लोगों की फिर भी संवेदनशीलता आपके साथ है,
सहानुभूति आपके साथ है, भगवान आपको जल्दी से तंदुरुस्त करे। लेकिन जनता के साथ जो आप लोगों ने धोखा किया, बड़े बड़े वादे किए, आप मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आप एक अभिनेत्री जरूर होंगी, आप सफल अभिनेत्री होंगी, क्योंकि किरदार निभाने में आप बहुत सक्षम है, किसी का भी किरदार निभा ले। लेकिन आपने राजनीति में भी लोगों का जो किरदार निभाने की कोशिश की, वहाँ आप एक अच्छी नेत्री नहीं साबित हो सकी। बहुत अफसोस के बाद ये कहना पड़ता है कि हमने एक ऐसा सांसद चुना हमारे चंडीगढ़ का जो सत्यानाश कर गया। मैडम आपसे यही अनुरोध है कि अभी भी वक्त है, आप जनता के और दुखों को ढेरों के ऊपर मत खड़े हों, नहीं तो जनता पता नहीं क्या कहाँ आपको कोसेगी। बेटर यही है कि आप इस्तीफा दें। धन्यवाद। आपने इनको देखा कहीं? कब से नहीं देखा? कभी से नहीं देखा? ढूंढ रहे हैं। हाँ जी सर, देखा कि नहीं देखी, कभी नहीं देखी। बहुत देर हो गई, कोरोना तो पहला भी देखी, चंडीगढ़ में नहीं देखा है जब से ये एमपी बनी है, देखी नहीं। कब से कर रहे हो ये काम? साल हो गया, तब से नहीं देखी है। नहीं, मेरा फोटो नहीं है, मेरा फोटो तो ये है। अच्छा, देखो कौन है ये, वोट डाली थी आपने इसको, किरण खेर। अच्छा, नहीं दिखी टीवी में भी नहीं, अब तो आती है ना, गुम हो गए। देखा कभी आई ढूंढने? नहीं है, चंडीगढ़ में मैडम नहीं है, हर जगह ढूंढ ली, कहीं नहीं है। अब इसकी रिपोर्ट लिखाने चलते हैं, और उसके बाद ये मैडम बॉम्बे में ही है, और सब कोई जो है ये अपने आप बताएंगी कि कहाँ है। हमने सारा चंडीगढ़ ढूंढ लिया, चंडीगढ़ में मैडम कहीं नहीं है, और ये